लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे पृथ्वी पर आई थी गोदावरी नदी, क्या कहानी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की, क्या हुआ जब ऋषि गौतम पर लगा गो हत्या का पाप, जानेंगे इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर पौराणिक कथाएं इस सीरीज के इस खास भाग में। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप सभी गौतम ऋषि तथा देवी अहिल्या को जानते ही होंगे, किंतु क्या उनकी पूरी कहानी आपको पता है? हाँ, आप जरूर यह जानते होंगे कि ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को पाषाण हो जाने का श्राप दे दिया था और जिनका उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। किंतु इसके अतिरिक्त भी ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की अनेकों कहानियां हैं। क्या आपको पता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापना का श्रेय इनको ही दिया जाता है? आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। एक बार की बात है, गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाले अन्य ऋषियों की पत्नियों का देवी अहिल्या से कुछ विवाद हो गया। गौतम ऋषि के ज्ञान से वे ऋषि प्रायः ईर्ष्या करते थे। ऋषियों की पत्नियों ने जाकर अपने पति के कान भरे। उन्होंने कहा कि अब हमारा निर्वाह गौतम ऋषि एवं देवी अहिल्या के साथ नहीं होगा, अतः आप लोग कोई ऐसी योजना बनाइए जिससे वे दोनों प्राणी इस आश्रम को छोड़कर कहीं और चले जाएं। स्त्री हट के आगे सारे ऋषि असहाय हो गए। ये सत्य कह रही हैं। इस आश्रम में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। आप ही लोगों ने इन पांव की धूल को माथे का चंदन बना रखा है। बहन, धूल से ही चंदन का अस्तित्व है। धूल से ही चंदन की जड़ को और पत्ते पत्ते को जीवन मिलता है। किंतु ये विवाद क्यों? क्योंकि आप और आपके पति गौतम ऋषि द्विज शूद्र में अंतर नहीं मानते हैं। ये सत्य है, कर्मानुसार दोनों में अंतर किया जा सकता है, परंतु मानवता अनुसार दोनों में किंचित मात्र अंतर नहीं है। मनुष्य मनुष्य में वही अंतर ढूंढता है जिसकी मन मस्तिष्क में अहंकार, द्वेष और स्वार्थ होता है। आश्रम के आसपास बसने वाले इन वनवासियों से हमारे पुराने संबंध हैं। स्वामी इन्हें अपना ही अंग मानते हैं। हमें उपदेश देती है जैसे हम कर्मकांडी ऋषि की पत्नी नहीं किसी मलिच की पत्नी हूँ। क्या हुआ मधुवचनी, चूल्हे की आग की भांति धधकती हुई आ रही हो? और मलिच्छों का छुआ पानी मैं तुम्हें पिलाऊं, स्वयं धर्म कर्म भ्रष्ट होकर अब तुम्हारा भी धर्म कर्म भ्रष्ट कर दूं? असंभव, तुम प्राण दे सकती हो लेकिन मुझे धर्म भ्रष्ट कदापि ना होने दोगी। स्पष्ट बताओ गौतम कुंड पर क्या घटना घटी? गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की दृष्टि में हम उच्च वर्गीय और वो मलिच एक जैसे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, गौतम अहिल्या को हम स्पष्ट कह देंगे, हमने अपना कुल और श्रेष्ठता आपके पास बंधक नहीं रख दी है, हम ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं। उनमें इतना साहस नहीं कि हमें आश्रम से जाने के लिए कहें। अगर कहा भी तो हम ऐसा कुचक्र चलाएंगे कि गौतम अहिल्या को आश्रम छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उन्हें स्वयं भी गौतम ऋषि की ख्याति उतनी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने गौतम ऋषि और देवी अहिल्या को अपने आश्रम से निकलवाने के लिए कोई योजना बनाने लगे। इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान गणेश प्रसन्न हुए एवं उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। वरदान स्वरूप उन ऋषियों ने यह मांगा कि कैसे भी करके गौतम ऋषि और देवी अहिल्या पर लांछन लगाया जाए और उन्हें इस आश्रम से निकलवा दिया जाए। रिद्धि सिद्धि के स्वामी भगवान गणेश ने ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि यह अन्याय होगा, यह अनुचित होगा, ऋषि गौतम और देवी अहिल्या निरपराध हैं, उनके साथ ऐसा कुछ करना नीति संगत नहीं होगा, अतः हे ऋषियों आप कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। किंतु सारे ऋषि अपनी मांग पर अटल रहे। उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि हमने मनचाहा वरदान मांगने के लिए ही आपकी कठोर तपस्या की है, अतः हमें तो यही वरदान चाहिए, अपने भक्तों की भक्ति में बंधे भगवान गणेश के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अतः न चाहते हुए भी उन्होंने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के विरुद्ध उन ऋषियों को मनचाहा वरदान दे दिया। हम तुम्हारे आह्वान से प्रकट हुए हैं, अपने मनोरथ के अनुसार वर मांगो। भगवान, बहुत व्यथित होकर हमने आपका आह्वान किया है। तुम्हें क्या कष्ट है वत्स? हमें मानसिक कष्ट दिया जा रहा है भगवान, हमने निश्चय किया है हम भी उसे कष्ट देंगे। तब तुम दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? शठम प्रति शाठ है, जैसे को तैसा।
ये भी एक नीति है। वास्तव में ये अनीति है जो पक्ष प्रतिपक्ष का विनाश कर देती है। तुमने बताया नहीं कष्ट कौन दे रहा है? महाप्रभु, महर्षि गौतम और उनकी भार्या अहिल्या द्वारा हम नित्य अपमानित हो रहे हैं। हमारी स्त्रियां अक्षय कुंड से पानी लेने जाती हैं, आंसू बहाते हुए वापस लौटती हैं। प्रभु, तुम्हारे मानसिक कष्ट में तुम्हारी स्त्रियों का भी बड़ा योगदान है। भगवान, क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा, मैं भक्तों के अधीन होता हूँ। कहो, कैसी सहायता चाहिए? महाप्रभु, हम गौतम ऋषि को इस आश्रम से निष्कासित करना चाहते हैं। मैं विघ्न विनाशक हूँ, विघ्न करता नहीं। ब्राह्मणों, तुम लोग निरपराध गौतम अहिल्या पर क्रोध कर रहे हो, इससे तुम्हारी ही हानि होगी, तुम्हें ही कष्ट होगा। गौतम के साथ जो कष्ट होगा हम उसे सह लेंगे। ब्राह्मणों, हमसे कोई दूसरा वर मांग लो। नहीं प्रभु, हम अपने पहले ही वरदान पर अडिग हैं। जो होनहार है होकर ही रहेगा, मैं विधाता के विधान को कैसे बदल सकता हूं? अपने वरदान का मान रखते हुए एक दिन भगवान गणेश एक दुर्बल गाय के रूप में ऋषि गौतम के खेतों में चरने के लिए चले गए। गाय को खेत में देखकर ऋषि गौतम ने उसे हांकने के लिए एक अत्यंत ही छोटा कंकड़ मारा। कंकड़ का स्पर्श होते ही वह गाय गिर पड़ी और उसका देहांत हो गया। कहीं कहीं कंकड़ की जगह तृण का भी उल्लेख मिलता है। गाय की मृत्यु को देखकर आश्रम के सारे ऋषि बाहर आ गए और उन्होंने गौतम ऋषि पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का लांछन लगा दिया, उन पर गौ हत्या का पाप मढ़ दिया। गौतम ऋषि समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे तो सदैव गौ माता की सेवा करते थे, उन्हें अपनी माता के समान ही मानते थे, तो कैसे एक छोटे से कंकड़ से गौ माता की हत्या हो गई? किंतु सारी घटना तो उनकी आंखों के सामने ही हुई थी, जिससे वो भी इनकार नहीं कर सकते थे। अपने कृत्य के लिए उन्हें अत्यंत ही खेद था एवं अपराधी भाव महसूस कर रहे थे। वे उनके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक रही थी। बाकी ऋषियों ने उन पर खूब क्रोध किया। उन्होंने कहा कि हम एक गौ हत्यारे के साथ नहीं रह सकते, अतः आपको और देवी अहिल्या को यह आश्रम छोड़कर जाना होगा। आप यदि हमारे साथ रहे तो गौ हत्या का पाप हम पर भी लग जाएगा, अतः आप यहाँ से चले जाइए। ऋषि गौतम अपना अपराध स्वीकार करते हुए पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से कोसों दूर चले गए। वहाँ भी उन ऋषियों ने ऋषि गौतम को चैन से नहीं रहने दिया। अतः ऋषि गौतम ने ऋषि मुनियों से पूछा कि गौ हत्या के पाप से मुक्ति का मार्ग क्या है। तब उन ऋषियों ने उनके पश्चाताप का और पाप से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो, फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। यह सारे कार्य लगभग असंभव जैसे ही थे, इसीलिए ऋषियों ने गौतम ऋषि को यह मार्ग दिखाया। किंतु गौतम ऋषि ने इस तपस्या के मार्ग का अनुसरण किया और दोनों प्राणी पूरे भाव से देवों के देव महादेव की तपस्या। पार्वती और भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने ऋषि गौतम से वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने वरदान स्वरूप गौ हत्या के पाप से
मुक्ति मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषि गौतम, आप पर गो हत्या का पाप लगा ही नहीं था, यह तो मात्र इन दुष्ट ऋषियों का एक छल था, अतः मैं इन ऋषियों को दंड देना चाहता हूँ। तब ऋषि गौतम ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा ना करे, यदि ये मुझ पर ऐसा आरोप न लगाते तो मुझे आपके दर्शन कैसे प्राप्त होते, अतः आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि गौतम के उदार भाव को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव और अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि गौतम से वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने वरदान मांगा कि माता गंगा की एक धार यहाँ से भी बहे और आप माता पार्वती समेत यहाँ विराजमान हो। उनके वरदान को जनहितकारी समझकर भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा से वहाँ अपनी एक धार प्रकट करने की विनती की, जिसे माता गंगा ने स्वीकार किया। उन्होंने अपनी एक धार वहाँ से प्रवाहित की और उसका नाम गोदावरी रखा गया, जिसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव भी वहाँ माता पार्वती के साथ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए और ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की तपस्या पूर्ण हुई। तो यह कथा थी गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रोचक कथा अच्छी लगी हो। ऐसी ही अन्य रोचक पौराणिक कथाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे पौराणिक कथाएं इस सीरीज के अगले भाग में।